tonight's program. इंटरनेट ने ना ही हमारी रोज़मर्रा के कामों को आसान करा है, बल्कि हमें जीने के बहुत तौर तरीकों को भी सिखाया है। आज YouTube से हम हर चीज़ देख सकते हैं, जो भी चीज़ हमें नहीं पता हम उसके बारे में गूगल कर सकते हैं। ये सारी तारें एक स्विचबोर्ड से चल रही है जिसका नाम है इंटरनेट। क्या ये तकनीकी विकास की रफ्तार को पकड़ना इंसान के लिए ज़रूरी है या नहीं? बट क्या आप जानते हैं कि हम 4-5% ही इंटरनेट यूज़ करते हैं? लोगों की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, स्टोरीज लगाना, स्नैपचैट यूज़ करना, कुछ भी, XYZ, यू नेम इट, इसे बोलते हैं सरफेस वेब। बट हमें पता है कि जैसे जैसे समुद्र की तरफ आप बढ़ते जाओ, समुद्र और गहरा होता जाता है। तो डीप वेब बीच की वो ट्रांजिशनल स्टेट है जो ना बहुत ज़्यादा इलीगल होती है और ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, डीप वेब 90% ऑफ इंटरनेट को कंज्यूम करता है। इसमें आपकी कॉरपोरेशंस होती हैं, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, वो कंपनीज होती हैं जो शायद कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही है, या वो लोग होते हैं जो शायद गवर्नमेंट तो थर्ड एंड फाइनल सेगमेंट इज डार्क वेब, जहाँ पे ड्रग्स, एमिनेशन, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ रन होती है, बहुत सारी एजेंसीज रन होती है, बहुत टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव होते हैं। हम उसका सिर्फ 5% अभी देख रहे हैं और वो जो 5% हम नहीं देखना चाहते। और यूजली इन वेबसाइट्स को खोलना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये किसी नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं खुलती है, ना पीसी के ब्राउज़र से, ना फ़ोन के वेब ब्राउज़र से। बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज इट। डार्क वेब क्रिएट करा गया था US आर्मी के थ्रू, ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एनोनिमस रख सके। तो आप कैसे अपने इनक्रिप्टेड मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज सकते हो बिना सेंडर और रिसीवर की लोकेशन को बताए? बट आज डार्क वेब एक हब की तरह ट्रीट होता है, वहाँ जहाँ पे लीगल और इलीगल दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये बात है सन 2000 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के स्टूडेंट आयन क्लार्क ने अपने थीसिस प्रोजेक्ट, जिसका नाम उन्होंने फ्रीनेट रखा था, ये सोचा कि फ्रीनेट का मोटिव होगा कि कोई भी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाए, लेकिन बिना उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। जब 2002 में टॉर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 2008 में टॉर ब्राउज़र, तो उनका मोटिव था कि आप डार्क वेब को एनोनिमसली ब्राउज़ कर सकें बट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन सेफ्टी।